हेलो बच्चों, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो सेशन में। आप देख रहे हैं मुझको लाइव। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की डिस्कवरी से पहले, काफी पहले, जॉन डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट दिए थे। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई और उन्होंने बताया कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल होता है और इसकी थ्योरी फेल हो गई क्योंकि बाद में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, उनकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। इनके पोस्टुलेट्स के बारे में हम जानते हैं तो आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एटॉमिक थ्योरी डिस्कार्ड होने का कारण यही था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई और फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये एटम के अंदर के पार्टिकल्स बोलते हैं। और एटम काफ़ी सबसे छोटा पार्टिकल कह सकते हैं, इसका मास होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ या −28 ग्राम। प्रोटॉन का जो मास होता है ये 1837 टाइम्स होता है मास होता इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के मास से हैवियर होते हैं प्रोटॉन का मास, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं हैवी पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, सेंट्रल पोजीशन पर होते हैं। और आगे चल के हम इनकी डिस्कवरी के बारे में भी देखेंगे। सो डिस्कवरी से भी पहले हम बात करेंगे कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर में, जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये छोटे पार्टिकल्स इनको हम एटम्स बोलते हैं। जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस पर रब करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर के दूसरे सब्सटेंस पर चले जाते हैं, दूसरे मैटर पर चले जाते हैं, दूसरे सब्सटेंस पर चले जाते हैं, और जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जिस सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं वो निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं तो ग्लास रॉड चार्ज एक्वायर कर लेता है, और जब हम इसी ग्लास रॉड को इन्फ्लेटेड बलून के पास लाते हैं तो इन्फ्लेटेड बलून इस ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसी तरह से जब हम स्केल को ड्राई हेयर पर रब करते हैं और रब करने के बाद छोटे छोटे पेपर पीसेस की तरफ लाते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं स्केल की तरफ। ये भी इसीलिए होता है क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि मैटर में भी कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके कम होने से या ज़्यादा होने से उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। और इस बात को आगे चल के जे.जे. थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उस वक्त जिस जगह पर बेंजामिन फ्रैंकलिन रहता था वहाँ पर काफ़ी बारिश हुआ करती थी और थंडर स्टॉर्म भी हुआ करता था, और बारिश के कारण बिजली चमकना भी एक कॉमन सी बात है। अगर ऊपर बारिश और बिजली भयंकर जब चमकती है, बिजली भी आए छे छोक को डरा देती है। लोगों का जो धार्मिक लोग है वहाँ पे वो कहते थे कि भाई ये बिजली चमकना एक दैवी प्रक्रिया है, और ये बिजली इसलिए चमकती है क्योंकि वो आम आदमियों पर, हमारे हम लोगों पर ये नाराज होती है इसीलिए बिजली चमकती है। ऐसा लोग मानते थे उस समय कि ये बिजली के चमकने का कारण एक दैवी प्रकोप है और कुछ मिस्टीरियस फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से ये बिजली चमकती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन भी जिस जगह पर रहता था वहाँ पर भी काफ़ी भारी मात्रा में बिजली चमकती, और लोगों का जिस जगह पर वो रहता था वहाँ के लोगों का जो धार्मिक लोग हैं वो वहाँ पे वो कहते थे कि भाई ये बिजली चमकना एक दैवी प्रक्रिया है, और ये बिजली इसलिए चमकती है क्योंकि वो आम आदमियों पर, हमारे हम लोगों पर ये नाराज होती है इसीलिए बिजली चमकती है।
ऐसा लोग मानते थे उस समय कि ये बिजली के चमकने का कारण एक दैवी प्रकोप है और कुछ मिस्टीरियस फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ये बिजली चमकती है और बादल बरसते हैं। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन एक रियलिस्टिक व्यक्ति था, उन्होंने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जे.जे. थॉम्सन ने कहा कि ये जो बादल गरज रहा है, बिजली चमकती है, इसे हम लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, इसे डरने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा फिजिकल फिनोमेना ही है। तो लोगों ने कहा कि अगर ये फिजिकल फिनोमेना ही है सिर्फ, तो आप इसे लैब में परफॉर्म करके बताइए, इसे आप भी बना के दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी बना के दिखाता हूँ। बाद में जे.जे. थॉम्सन ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने जूलियस प्लकर के एक्सपेरिमेंट को भी देख रखा था। यहाँ पर जूलियस प्लकर के बारे में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन तो यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जे.जे. थॉम्सन ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर स्टडी किया। जे.जे. थॉम्सन से भी पहले कई वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को लो प्रेशर पर, गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को लो प्रेशर पर स्टडी किया था। उनमें से जूलियस प्लकर का भी नाम आता है। और बाद में जे.जे. थॉम्सन ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने भी इसी तरह से एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उन्होंने भी एक ग्लास रॉड की ट्यूब ली और लगभग 60 सेंटीमीटर की ट्यूब रही होगी, और उसमें उन्होंने इमेजिन किया कि इतनी ऊंचाई पर जो ये फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, और वहाँ पर रिएक्टिव गैसेस तो नहीं होती होगी, वहाँ पर इनर्ट गैसेस रहती होगी, वहाँ पर इतनी ऊंचाई पर इनर्ट गैसेस ही रहती होगी। और इसीलिए उन्होंने इस ग्लास रॉड में अपोजिट एंड पर मेटल की प्लेट लगा दी, और मेटल की प्लेट को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, नेगेटिव प्लेट को हम कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट को एनोड बोलते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने एक सेटअप किया। ये थोड़ा सा डायग्राम प्लकर का है, मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड डायग्राम बता देता हूँ। इस प्रकार का उन्होंने ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब, इस प्रकार का उन्होंने सिलिंड्रिकल ट्यूब लिया, दो अपोजिट एंड पर उन्होंने मेटल की प्लेट ली, एक नेगेटिव प्लेट है और एक पॉजिटिव प्लेट है, और इस प्लेट को उन्होंने हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, और ये हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट का, लगभग 10,000 वोल्ट का उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया दो अपोजिट प्लेट के बीच। एक प्लेट का नाम है कैथोड और दूसरी प्लेट का नाम है एनोड, प्लेट कह दीजिए आप या फिर उसको इलेक्ट्रोड कह दीजिए। और ये इसके अंदर उन्होंने इनर्ट गैसेस जैसे कि हीलियम उन्होंने रखी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इनर्ट गैसेस ही रह सकती हैं, और इस ट्यूब में उन्होंने एक सक्शन पंप भी फिट कर दिया। अब ये सक्शन पंप का काम है कि इसके अंदर से जो गैस है उसको निकालने का, इवैक्यूएट करने का काम है। अगर इवैक्यूएट हो जाएगी तो गैस का प्रेशर और भी कम होता जाएगा, और ऐसा करते करते उन्होंने लगभग 10^-4 एटमॉस्फेयर तक का उन्होंने प्रेशर डिक्रीज कर दिया। सक्शन पंप ने इसमें से गैसेस है वो पूरी गैसेस इवैक्यूएट करता गया, और गैस का जो प्रेशर है वो डिक्रीज करते करते 10^-4 एटमॉस्फेयर तक का उन्होंने प्रेशर कर दिया। तो इस प्रकार का उन्होंने सेटअप तैयार किया, और इसमें से जैसे ही उन्होंने 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ इनविजिबल गैसेस कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ ट्रेवल होती हुई आ रही है, और ये जो रेस है चूँकि कैथोड से आ रही है, कैथोड प्लेट की तरफ से आती है, इसी रेस को उन्होंने नाम दिया कैथोड रेस। कैथोड रेस आर नथिंग बट द रेस विच आर एमिटेड आउट, विच आर कमिंग आउट, विच आर इनविजिबल रेस कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड प्लेट। तो इस प्रकार से उन्होंने एक सेटअप किया था, और कैथोड रेस की डिस्कवरी उन्होंने करके बताई। और न सिर्फ कैथोड रेस डिस्कवर किया, बल्कि उन्होंने ये बता दिया कि कैथोड रेस आर नथिंग बट दे आर द बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इस प्रकार से उन्होंने एक सेटअप तैयार किया।
कैथोड रेज आर द बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको उन्होंने नाम दिया नेगेट्रॉन्स। नेगेट्रॉन्स बाद में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्टोनी ने नाम दिया इन नेगेट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स द नेम इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय स्टोनी एंड डी जे थॉम्सन हैज नेम्ड दीस पार्टिकल्स एज नेगेट्रॉन्स। सो नेगेट्रॉन ये जो नाम है नेगेट्रॉन ये नाम डी जे थॉम्सन ने दिया था और स्टोनी ने नाम दिया और इन्हीं नेगेट्रॉन्स को बाद में स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन्स कहा। इलेक्ट्रॉन्स दीज वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स बाय द साइंटिस्ट स्टोनी। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। आइए हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। कैथोड रेज आर द बीम ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब उन्होंने इस सेटअप में कैपेसिटर रख दिया था नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट उन्होंने जब लगा दी इलेक्ट्रिक प्लेट तो ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो रेज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंट हो रही है। लेट अस से ये मैंने एक प्लेट ये पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है और इस प्लेट को उन्होंने इस प्रकार से 10 वोल्ट से उन्होंने 10 वोल्ट के इलेक्ट्रिक प्लेट अप्लाई कर दी और इस प्रकार से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो कैथोड रेज है ये पूरी की पूरी पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है और इन रेज का पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होना ये दर्शाता है ये बताता है इंडिकेट करता है कि ये जो रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज रेज है। और बाद में हम ये कह सकते हैं तो इसके अलावा ये जो कैथोड रेज है इसीलिए हेंस वी कैन से दैट दीस कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज रेज। इसके अलावा जे.जे. थॉम्सन ने एक क्रॉस उनके गले पर लटक रहा था तो जे.जे. थॉम्सन ने अपना वो क्रॉस निकाल करके यहाँ पर माउंट किया इस पूरे सेटअप को अनवाइंड किया और बाद में यहाँ पर एक क्रॉस अप्लाई कर दिया। और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि दीस रेज प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। इन रेज के बीच में जब हम कोई ऑब्स्टेकल रखते हैं पैडल व्हील रख देते हैं तो ये रेस इस पैडल व्हील पर टकराती है और उस पैडल व्हील को घुमा देती है तो इससे हमें पता चलता है कि दीज रेस हैव द मैकेनिकल प्रॉपर्टी आल्सो। और जब ये पैडल व्हील से टकराती है रेस तो उस रेस पर जो अपनी एनर्जी है वो ट्रांसमिट कर देती है और इस वजह से पैडल व्हील हीटअप हो जाती है और पैडल व्हील में भी मोशन क्रिएट हो जाता है।